आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल कह रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% बच्चे कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, 70% कैन स्पीक इंग्लिश एंड 65% कैन स्पीक हिंदी। इफ 27% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ द लैंग्वेजेस, देन व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस? ए 38%, बी 62%, 28%, डी 23%। ठीक है, बोल रहे कि 70% बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, 65% बच्चे हिंदी बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में, और 27% बच्चे 27% जो दोनों लैंग्वेज नहीं बोल पाते। हमें पता करना है कि दोनों लैंग्वेज बोलने वाले के परसेंटेज कितने हैं बच्चों के। आइए करते हैं इसको। तो यहाँ पे येलो सर्कल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है। तो यहाँ पे 70% बच्चे हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो मीन्स 30% बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, ठीक है। 70% बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो 30% इंग्लिश नहीं बोल पाने वाले, ठीक। 100 से आप 70 को माइनस करेंगे तो 30% ठीक। और ब्लू सर्कल हमारा हिंदी बोलने वाले बच्चों का, हिंदी ना बोलने वाले बच्चे, ठीक, हिंदी ना बोलने वाले बच्चे 35%, 100 माइनस 65, 35%, ठीक। और यहाँ पे हमें दिया हुआ गिवन 27% जो बच्चे दोनों लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं, तो हमारे सिर्फ इंग्लिश नहीं बोल पाने वाले बच्चे हैं 3%, 30 माइनस 27, 3% आ जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ हिंदी नहीं बोल पाने वाले बच्चे 35 माइनस 27, 8%। तो ये हमारा जो बच्चे एक या उससे अधिक लैंग्वेज नहीं बोल पाते उसका वेन डायग्राम बन गया है। तो परसेंटेज ऑफ बच्चे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, अब हमें निकालना है जो बच्चे दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो बहुत इजी है, अभी हमने ये डेटा जो निकाल लेंगे तो बहुत इजी हो जाता है। आप 100 से सीधा इन तीनों को कैलकुलेट कर लीजिए, 3 प्लस 27 प्लस 8, तो कितना हो गया 30 प्लस 8 38, 100 माइनस 38, 62% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो 38 बच्चे जो हैं, 38% टोटल इस वेन डायग्राम का, तो ये बच्चे क्या है, एक या उससे अधिक लैंग्वेजेस नहीं बोल पाते हैं। लेकिन इस वेन डायग्राम में वो बच्चे नहीं थे जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, तो 62% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, 62%, ठीक है। तो इस वेन डायग्राम को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जो कैन स्पीक दीज लैंग्वेजेस मीन्स वो इंग्लिश बोल सकते हैं, दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन सेम है, वेन डायग्राम थोड़ा सा बस डेटा चेंज हो जाएगा, बाकी जो उसका फिगर है सेम है। येलो सर्कल हम इंग्लिश को, बच्चे जो इंग्लिश बोल सकते हैं उसको दर्शाएंगे। तो 70% बच्चे जो हैं इंग्लिश बोल सकते बोलते हैं, 65% बच्चे हिंदी बोलते हैं। बोथ का डेटा हमें निकालना है कि बोथ, ठीक है, इसमें इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं, हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं, लेकिन बोथ हमें नहीं पता है कि दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले बच्चे कितने हैं, ठीक है। दोनों बोलने वाले, दोनों नहीं बोलने वाले बच्चे हमें पता है 27%, लेकिन दोनों बोलने वाले ही बच्चे हमें निकालने हैं, ठीक है। तो ये अंतर होता है उस वेन डायग्राम में और इस वेन डायग्राम में। उस वेन डायग्राम में हमें ये डेटा पता है, लेकिन ये डेटा हमसे पूछा नहीं गया, ठीक है। ये हमसे यहाँ पूछा गया ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, तो हमें यहाँ पे ये वाला डेटा निकालना है। उस वेन डायग्राम में ये वाला डेटा हमें पता है, क्योंकि हमने वो कैनॉट स्पीक लैंग्वेजेस वाला वेन डायग्राम बनाया था। हम यहाँ पे कैन स्पीक एनी वन ऑफ द लैंग्वेजेस वाला वेन डायग्राम बना रहे हैं, ठीक। तो ये वेन डायग्राम हो गया है, वेन डायग्राम हु स्पीक दीज लैंग्वेज, एनी वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, ठीक, या दोनों भी बोल सकते हैं। तो दिस वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स हु स्पीक दीज लैंग्वेजेस, ठीक है। ये वेन डायग्राम उन बच्चों को दर्शाता है जो एक या उससे अधिक भाषा बोल पा रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश, दो ही भाषाएं हिंदी या इंग्लिश या दोनों बोल पाते हैं। तो 70% हमें पता है इंग्लिश बोलते हैं, तो 30% डोंट स्पीक इंग्लिश, 65% स्पीक मीन्स 35% डोंट स्पीक हिंदी। उसी तरीके से 27% डोंट स्पीक नन ऑफ द लैंग्वेजेस मीन्स 73% स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेजेस। अभी आपको ये पता है कि आपको ये बताया 27% बच्चे हैं जो दोनों लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं, तो अगर 27% बच्चे, अगर 100 बच्चे मान लीजिए उसमें अगर 27% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस नहीं बोल पाते, तो
तो 73% बच्चे तो ऐसे होंगे जो एक ना एक लैंग्वेज बोलते होंगे या उससे अधिक लैंग्वेजेस बोलते होंगे। तो 73% जो है हमारे ये सेट की वैल्यू आ गई, दोनों ए यूनियन बी जो हम बोलते हैं फॉर्मूले में, ये हमारे ए यूनियन बी इसके लिए आ गया है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे एन ए यूनियन बी आ गया है और 70% हमें पता है एन एन ए है, सेट एन ए, और एन बी हमारा 65 है। तो हम सीधा फॉर्मूले में एन ए एन बी, और हमें यहाँ पे यही तो निकालना है एन इंटरसेक्शन बी, जो हमें पता है फॉर्मूले में जो होता है एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम इस फॉर्मूले में डेटा डाल देंगे, 73 ए यूनियन बी जो हमारा आ गया, जो एक या उससे अधिक लैंग्वेजेस बोलते हैं, मीन्स ये पूरा टोटल सेट का हमें डेटा मिल गया है जो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले हैं और सिर्फ हिंदी बोलने वाले। अब ए एन ए ए इंटरसेक्शन बी को हम उस तरफ ले जाएंगे और 73 को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास आएगा 135 माइनस 73 62%। ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ पे वैसे इस डेटा की जरूरत नहीं थी, 30% डोंट स्पीक इंग्लिश, 35% डोंट स्पीक हिंदी। ठीक है, ये डेटा हमें पिछले वाले सॉल्यूशन में जरूरत था, जहाँ पे हमें हु कैन नॉट स्पीक दिस लैंग्वेजेस वाला वेन डायग्राम बनाया था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप जब भी ये क्वेश्चन जब भी मेरे साथ सॉल्व करते हैं, कोशिश कीजिए पेन पेंसिल लेके आराम से सोच समझ के कीजिए। ठीक है, तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे हु स्पीक दिस लैंग्वेजेस वाला है डेटा, ठीक है, वेन डायग्राम जब भी बनाए हु स्पीक दिस लैंग्वेजेस, मीन्स एक ना एक लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो मीन्स यहाँ पे वो लोग नहीं आप निकाल पाएंगे जो दोनों लैंग्वेजेस नहीं बोलते हैं। ठीक, हालांकि यहाँ पे हमें पता है 27% है, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।